देहरादून में बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में पूरे प्रदेश में युवाओं में भयंकर आक्रोश है। इस विरोध की आंच अब अल्मोड़ा तक पहुंच चुकी है, जहां पर विरोध स्वरूप सैकड़ों बेरोजगार युवा सड़कों पर उतर आए हैं। लाठीचार्ज से आक्रोशित युवाओं ने मुख्यमंत्री और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सुबह सभी युवा यहाँ चौहान पाटा गांधी पार्क में इकट्ठे हुए। इस दौरान कांग्रेस और युवा जनसंघर्ष मंच, धर्मनिरपेक्ष युवा मंच के कार्यकर्ताओं ने भी युवाओं को अपना समर्थन दिया। गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन के बाद युवाओं ने माल रोड होते हुए मुख्य बाजार में रैली निकाली और इस दौरान युवाओं ने कहा कि बीते दिन पुलिस द्वारा जिस तरह से बर्बरता युवाओं के साथ की गई है, बर्दाश्त काबिल नहीं है। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। मुझे तो नहीं लगता कि ये अब कोई बताने वाली बात रह गई है। अब तो सारा देश देख रहा है, सारा प्रदेश देख रहा है। युवाओं ने कुछ और नहीं मांगा इस राज्य सरकार से, उन्होंने केवल इतना मांगा कि नकल विरोधी कानून बनना चाहिए, नकलचियों के नाम सार्वजनिक होने चाहिए और जब भी ऐसी कुछ हो इसकी सीबीआई जाँच होनी चाहिए। लेकिन जो राज्य सरकार ने गिफ्ट उन्हें दिया है, पुलिस प्रशासन ने जो नायाब तोहफा उन्हें दिया है, लाठी डंडों हाथ पैर तोड़ के किसी का सिर फोड़ के, ये मुझे लगता है कि नाकाबिले बर्दाश्त है और बिल्कुल बर्दाश्त किया भी नहीं जाना चाहिए। जो कुछ करना पड़ेगा करेंगे और युवाओं के साथ हर कदम पे हर समय उनके साथ खड़े। जो पुलिस ने लाठीबाजी है, जो लोगों पे हिंसक, युवाओं पे हिंसक कार्रवाई की है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं बॉबी पवार, जिनको डिटेन करने का ये सरकार ने काम किया है, उसके खिलाफ हम लोग आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं और इस चीज़ की निंदा करते हैं। जैसे हमारे युवा साथियों के साथ बर्बरता पूर्वक जो व्यवहार किया गया पुलिस द्वारा, हम ये चाहते हैं उनसे, हमारी एक ही मांग है, उन पुलिस कर्मियों को सस्पेंडिंग को बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि एक से सबक मिलना चाहिए। हमारे युवा शांतिपूर्वक तरीके से वहाँ पर आंदोलन कर रहे थे, उनके साथ बदतमीजी करी गई, हमारी छोटी छोटी बहनों के साथ उनके साथ बदतमीजी करी गई। हमारा एक ही मांग थी कि आप सीबीआई की जांच करें। तो हम सीबीआई की जांच करें तो हमारी मांगे कहाँ पे गलत है? हम चाहते हैं हर युवा को नौकरी मिले और साफ स्वच्छ तरीके से नौकरी मिले।